दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। 17 सितंबर को आप मुख्य अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अपनी जगह अगला मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। केजरीवाल के इस प्रस्ताव को आप विधायकों ने मंजूर कर लिया, लेकिन राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इसे दिल्ली के लिए दुखद बताया। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी थी। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। वैसे तो आतिशी मालीना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। स्वाति मालीवाल ने अफजल गुरु की फांसी रोकने की मांग वाली याचिका को भी एक्स पर शेयर किया। इस पर आतिशी की मां तृप्ता वाही का भी नाम है। इस याचिका में लिखा गया था, भारतीय संसद पर हुए क्रूर हमले की गंभीरता को देखते हुए और ये देखते हुए कि देश पाकिस्तान के साथ परमाणु संघर्ष के बहुत करीब पहुंच गया था, भारत के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि वास्तव में क्या हुआ था, मास्टरमाइंड कौन थे, हमले की योजना कैसे बनाई गई और सुरक्षा में सेन कैसे लगाई गई। इसमें अफजल गुरु की सजा रोकने के साथ पूरे मामले की संसदीय जांच कराने की भी अपील की गई। बताते चले, अफजल गुरु को साल 2013 में 2001 संसद हमले के दोष में फांसी दी गई थी। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।